तो बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के करनाल जिले के हलका गरोंडा से, जहां पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किस प्रकार से देर रात को एक घर में छापा पड़ा है। जी हां, देर रात को एक घर में छापा पड़ा है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अवैध रूप से दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। जानकारी देना चाहेंगे कि देर रात को नार्कोटिक ड्रग CID क्राइम ब्रांच व पुलिस ने संयुक्त रूप से एक घर में छापा मारा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से भारी मात्रा में, जी हां भारी मात्रा में, 5 कमरों से दवाइयों का भंडार मिला है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मौके पर ड्रग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और यह भी माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा छापा बताया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने सभी दवाइयां, जी हां डिपार्टमेंट ने सभी दवाइयां जब्त कर ली हैं और न्यायालय में पेश की जाएंगी। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले के हलका घरोंडा की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक ही घर में, जी हां एक ही घर में 5 कमरों में अवैध रूप से दवाइयों का भंडार मिला है। इस संदर्भ में अधिकारी क्या कहते हैं, सुनिए। इस तरह की कार्रवाई आज एक गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ घरोंडा में क्राइम पुलिस नारकोटिक की जो है और हमारी FDA की टीम ने छापा मारा है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं, तो जो कि इसके पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये जो दवाइयाँ सारी हैं, ये डॉक्टर की पर्ची पर एक रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस लेकर बेची जा सकती हैं जी। तो जो दवाइयाँ बरामद हुई है उन्हें जब्त किया जा रहा है, क्या उनको सारी दवाइयों को जब्त करके कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी कस्टडी ऑर्डर लिए जाएंगे। तो सर क्या मतलब सूचना मिलेगी, कब से कारोबार चल रहा होगा जिस तरह से? इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, तो जिसकी भी दवाइयाँ हैं उनका पानीपत में स्टोर है, उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो सर मतलब दो जिलों से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, दो इसके ठकुराल मेडिकल के नाम से पानीपत में दुकान है, वहाँ पर हमारी पानीपत की टीम काम कर रही है। तो सर बिल वगैरह मिले हैं इस प्रकार से दवाई? नहीं, कोई इसके पास परचेज बिल नहीं फिलहाल इन्होंने दिखाए हैं, बाकी जो उन्होंने जिसके कब्जे में से ले हैं वो आएगा, उससे पूछताछ जारी करेंगे। आज बड़ा छापा मारा है, क्या मामला? ये जी गुप्त सूचना के आधार पर दवाइयों के बारे में पता लगा था, जो हमारी संयुक्त टीम डॉक्टर गुरचरण सिंह और DCO मैडम रितु जी के साथ संयुक्त मिलकर छापा लगाया है जी। तो भारी तादाद में दवाइयां मिली, भारी तादाद में दवाइयां मिली यहाँ पे जी। क्या कार्रवाई चल रही है, जिनके बारे में अभी चेक कर रहे हैं और कितनी दवाई कोई नशे में है या नहीं है इसके बारे में पता भी कर रहे हैं। ये जी धर्मवीर कॉलोनी मनोहर लाल के घर पे किस तरह की दबिश दी है, सुनने में आया कि भारी तादाद में दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। आज 22/12/2021 को एक गुप्त सूचना के आधार पर हमारे जो FDA कमिश्नर हैं श्री राजीव रतन जी और हमारे जो SDC हैं श्री मनमोहन तनीजा जी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर एंटी नार्कोटिक सेल जो है वो और FDA विभाग की एक संयुक्त टीम द्वारा जो है आज एक अनलाइसेंस्ड यानी कि रेजिडेंशियल प्रीमिसेस पर, जो कि गरुंडा में स्थित है, जो कि मनोहर लाल का घर है गरुंडा में स्थित धर्मवीर कॉलोनी के अंदर, वहाँ पर आज छापामारी की गई है। जो FDA विभाग की तरफ से हमारे जो सीनियर हैं श्री गुरचरण सिंह उनके नेतृत्व में जो है एक आज छापामारी की गई है, जिसमें भारी मात्रा में जो है दवाई रेजिडेंशियल प्रीमिसेस पर हमें उपलब्ध हुई है। तो किस प्रकार की दवाइयाँ हैं ये जो है एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो यहाँ पर घर में बरामद हुई हैं, जो जो कि डॉक्टर की पर्ची के आधार बेस पर ही जो है अवेलेबल हो सकती हैं, जो कि शेड्यूल H की दवाइयाँ हैं और दे आर ओनली अवेलेबल एंड ओनली अवेलेबल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। तो घर से ये बरामद हुई है इलीगल माना जाए? बिल्कुल इलीगल दवाइयां हैं। मनोहर लाल हमें मौके पर मिला, जिसका ये घर है, उसने बताया कि उसके बेटे की दुकान है पानीपत में और ये उसी की दवाइयां हैं, जो कि जिसके आने पर ही आगे आगामी कार्रवाई जो है पूछताछ उससे की जाएगी। जांच के दौरान किस प्रकार से है, नकली दवाइयां हैं या जिस प्रकार से अवैध दवाइयां होती हैं, दवाइयों के लिए इस प्रकार की कोई दवाइयां? जो दवाइयां हमें मौके पर मिली हैं घर से, इनको जो है फार्म 17 के तहत लेकर सैंपलिंग के लिए, जांच हेतु जो है टेस्टिंग के लिए इनको लैब में भेजा जाएगा। तो कितने लाख रुपए की दवाइयां माना जाएगी? अभी जांच जारी है,
और वो उसके बाद ही बता पाएंगे। कुछ इसमें नकली की भी आशंका जताई जा रही है? नहीं, नकली दवाइयाँ बिना जांच और टेस्टिंग के हम नहीं बता सकते। एक्सपायर डेट की मैंने? नहीं, एक्सपायर कोई दवाइयाँ नहीं। किस प्रकार का ऑफेंस बनता है? कोई भी व्यक्ति जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अपना लाइसेंस जारी करवाता है, एक दायरा होता है जिसके अंदर उसे जो है लाइसेंस दिया जाता है। विभाग कभी भी रेजिडेंशियल प्रीमिसेस के अंदर कोई भी लाइसेंस जारी नहीं करता। ये जो रेजिडेंशियल प्रीमिसेस में दवाइयाँ मिली हैं ये पूरी तरीके से अवैध है। 18C ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की उल्लंघना है, जिसके तहत 3 से 5 साल की सजा और 1,00,000 रुपये जुर्माना है। मतलब घर को ऐसे गोडाउन यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। एक दायरा है जिसके अंदर विभाग लाइसेंस जारी करता है, उससे बाहर जो भी दवाई है वो विदाउट लाइसेंस है, अवैध है। तो मैडम दवाइयों का क्या रहेगा? इन दवाइयों को जो है फार्म 16 के तहत जब्त करके सूची बनाकर इन्हें जो है कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट केस हमें कोर्ट में दायर करना है।